हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पैटर्न मेकिंग के बारे में। ठीक है, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, पैटर्न मेकिंग के बारे में देखा था और कुछ फंक्शंस ऑफ पैटर्न हमने देखा था यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द पैटर्न, पैटर्न के लिए कौन कौन से मटेरियल सूटेबल है। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर हमें जानने चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द पैटर्न। तो सबसे पहले जो हम कास्टिंग कर रहे हैं वो सिंगल पार्ट के लिए कर रहे हैं या मल्टीपल पार्ट के लिए, यानी कि मल्टीपल कास्टिंग कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन करना है। दूसरा, यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है तो उसके हिसाब से मटेरियल पैटर्न सिलेक्ट करो, अगर कम सरफेस फिनिश चाहिए तो उसके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन करो। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ मोल्डिंग टू बी यूज, मतलब कि हमें हैंड मोल्ड यूज़ करना है या मशीन मोल्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे क्राइटेरिया है। एंड टाइप ऑफ कास्टिंग मेथड, फ्रेंड्स बहुत सारी कास्टिंग मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, बहुत सारी कास्टिंग मेथड है। तो कौन सी कास्टिंग मेथड हमें यूज़ करनी है, उसके हिसाब से कौन सा पैटर्न मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है शेप साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्टिंग। ठीक है, जो कास्टिंग करने वाले हैं उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है कास्टिंग डिज़ाइन पैरामीटर्स, राइट। उसके बाद है टाइप ऑफ मोल्डिंग मटेरियल टू बी यूज। तो ये जो चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द कास्टिंग। अब कौन कौन से मटेरियल है, तो सबसे पहला जो मटेरियल है वो है वुड। ठीक है, जो कि ईजिली अवेलेबल है मार्केट में विद द चीप रेट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द पैटर्न। अब एडवांटेज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, चीप एंड ईजिली अवेलेबल। दूसरा है, इट कैन ईजिली शेप्ड एंड मशीन टू द डिफरेंट कन्फिगरेशन। ओके, ईजिली हम उसको मशीन कर सकते हैं, ईजिली हम कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन गुड सरफेस फिनिश कैन बी ईजिली ऑप्टेन। ठीक है, जो वुड से हम गुड सरफेस फिनिश ऑप्टेन कर सकते हैं ड्यू टू लाइटनेस ऑफ द वेट। वेट में वो काफ़ी हल्का रहता है कंपेरेटिवली जो मेटल है उससे। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, तो वुडन पैटर्न आर वीक एज कंपेयर टू मेटल। मेटल जितना स्ट्रांग तो नहीं रहने वाला, इसीलिए वो मेटल से वीक बोला जाएगा। दे कैन नॉट विदस्टैंड द रफ हैंडलिंग, मतलब अगर कहीं कोई फेंक रहा है, कोई रफ हैंडलिंग है, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो रफ हैंडलिंग में वो विदस्टैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है स्क्रैचेस होने का चांसेस है। ठीक है, अगर स्क्रैचेस होंगे तो फिर मोल्ड में भी प्रॉब्लम आएगा। दे पजेस पुअर वियर रेजिस्टेंस एंड हैंस दे एब्रेड इजीली बाय द सैंड एक्शन। एब्रेशन आपने सुना होगा, तो सैंड ऊपर, उसके ऊपर जो सैंड लगी रहती है उससे उसका एब्रेशन होता है, ताकि वहाँ पे वियर हो सकता है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन है। दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो वुड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए वो हैंस इट गेट रैप एंड चेंज द शेप एंड साइज। मॉइस्चर को एडॉप्ट करेगा तो शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वुड उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन हमने देखा। एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ कास्टिंग कम है, जहाँ पे नंबर ऑफ कास्टिंग कम है एंड पैटर्न की साइज बड़ी है, तो वहाँ पे हम वुड यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के वुड है यहाँ पे, तो वाइट पाइन, महोगनी, मैपल, चेरी, टिक एंड सीसम, ये छह यहाँ पे वुड दिए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पैटर्न मटेरियल। ओके, तो दीज आर द अबाउट वुड। नेक्स्ट जो है वो है मेटल। तो मेटल पैटर्न को बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे वुड यूज़ कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं हम। मेटल पैटर्न आर कास्ट फ्रॉम द वुडन पैटर्न। अब मेटल पैटर्न का एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो वुड का डिसएडवांटेज है वो मेटल के एडवांटेज है। ठीक है, तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। उसके बाद है, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड एक्यूरेट हैंस मोर लाइफ कंपेयर टू वुडन पैटर्न। ऑब्वियसली कि वुडन से ज़्यादा हार्ड है, तो उसके मतलब वो सस्टेनेबल है, तो उसकी लाइफ जो है वो वुडन पैटर्न से ज़्यादा रहेगी। दे हैव अ ग्रेटर रेजिस्टेंस फॉर द एब्रेशन एंड वियर। जैसे वुडन में हमने बात किया कि सैंड से वो जो एब्रेशन वियर लगता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा।
एंड दे कैन विदस्टैंड रफ हैंडलिंग. ओके, उसके बाद लिमिटेशन, एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न दे आर मोर एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव ज़्यादा है, वेट ज़्यादा रहेगा, हैवियर. देन फेरस मटेरियल पैटर्न गेट रस्टेड. अगर फेरस मटेरियल है पैटर्न में तो वो रस्टेड हो जाता है, कोरोजन हो सकता है. दे कैन नॉट बी रिपेयर ईजिली. ओके, तो ये लिमिटेशंस है. अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो मेटल पैटर्न आर यूज वेयर द लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग. यहाँ पे देखो उससे उल्टा है, लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम पैटर्न. एक पैटर्न से लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग हमें निकालना है, एक ही पैटर्न का यूज करके उसमें से बहुत सारे कास्टिंग करने हैं, तो हम मेटल पैटर्न यूज कर सकते हैं. अब वेरियस मेटल पैटर्न कौन कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, सेकेंड है स्टील, थर्ड इज ब्रास, फोर्थ वन इज कास्ट आयरन एंड वाइट मेटल. तो ये पांच आपको मेटल यूज कर सकते हो फॉर द पैटर्न मटेरियल. ओके, देन प्लास्टिक. अब जो थर्ड है वो है प्लास्टिक. तो प्लास्टिक इज नाउ डे कंसिडर एज अ पैटर्न मटेरियल ड्यू टू देयर फॉलोइंग एडवांटेज, लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ. प्लास्टिक हाई स्ट्रेंथ में कंसिडर करते हैं. देन रेजिस्टेंस टू वियर एंड कोरोजन. देन प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश. दे आर ईजी टू मेक एंड लेस कॉस्टली ऑल्सो. तो ये बोल सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, मेटल और वुड का कॉम्बिनेशन करके हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के एडवांटेजेस है. देन लिमिटेशन, तो प्लास्टिक पैटर्न्स आर फ्रेगाइल, राइट, हैंस लाइट सेक्शन मे बी नीड मेटल रेनफोर्समेंट. फ्रेगाइल का मतलब कि वो टूट सकता है ना, तो जो लाइट सेक्शन जो रहता है वो मेटल रेनफोर्समेंट उसमें ज़रूरत पड़ सकती है. दे मे नॉट वर्क वेल वेन द सब्जेक्टेड टू कंडीशन ऑफ सेवरल शॉक. अगर कहीं पे शॉक लोड लगता है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल. नाउ प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और हम बोल सकते हैं जिप्सम, यूज एज अ पैटर्न मटेरियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज. एक तो है कॉम्प्लिकेटेड शेप. आप अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हो. देन इट कैन ईजिली वर्क विद द हेल्प ऑफ वुडन वर्किंग टूल. आप कोई भी वुडन वर्किंग टूल से वो ईजिली हैंडल कर सकते हो. इट हैज अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, अनलाइक मेटल इट एक्सपांड वाइल सॉलिडिफाइंग. ओके, वो एक्सपांड, बाकी सब क्या होता है मेटल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे वो एक्सपांड होगा. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, प्लास्टर इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल एंड इंट्रिकेट पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस. कोर बॉक्स बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं. स्मॉल एंड इंट्रिकेट पैटर्न बनाने के लिए भी हम प्लास्टर जो है वो यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो है लास्ट वैक्स. ठीक है, तो वैक्स हम मेन बोलते हैं उसे. तो एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड द गुड सरफेस फिनिश. अब दूसरा जो मेन एडवांटेज है, वैक्स जो होता है ना वो एज अ पैटर्न यूज करते हैं. उसके बाद जो मोल्ड कैविटी को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हीट देते हैं. अब हीट देते हैं तो वैक्स जो है वो पिघल जाता है. अब पिघल जाता है तो वो कैसे बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे हमें अलग से मोल्ड को ओपन करके पैटर्न को निकालना नहीं पड़ता. पैटर्न को अगर निकालते हैं इस तरह से तो उसमें जो सरफेस होती है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है. तो सरफेस डैमेज इसमें नहीं होती क्योंकि जो वैक्स होती है वो पिघल के निकल जाती है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर बीइंग मोल्डेड, मोल्डेड करने के बाद वैक्स पैटर्न इज नॉट टेकन आउट, रेदर द मोल्ड इज इन्वर्टेड एंड हीटेड एंड द मोल्टन वैक्स कम आउट और गेट्स इवोपोरेटेड. जो वैक्स होती है वो इवोपोरेट हो जाती है या तो निकल जाती है. हैंस देर इज नो चांस ऑफ मोल्ड केविटी गेटिंग डैमेज. ठीक है, वाइल रिमूविंग द पैटर्न ऑल्सो दे प्रोवाइड द हाई एक्यूरेसी टू द कास्टिंग. ओके, सो एप्लीकेशन क्या है, इट इज एक्सक्लूसिवली यूज इन द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस जो टाइप है उसमें वो मैक्सिमम यूज होती है वैक्स एज अ पैटर्न मटेरियल, राइट. सो दिस इज अबाउट द पैटर्न मटेरियल. तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम सिलेक्ट करना है पैटर्न मटेरियल फॉर द पैटर्न, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है. और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल देखें. ठीक है, सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहें.
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।